नमस्कार, वैश्यवा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी। चलो रुक करते खास खबरों की ओर। वर्ल्ड कप 2019 भारतीय टीम के सेमीफाइनल में हारने की पांच सबसे बड़ी वजह। वर्ल्ड कप 2019 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 18 रनों से हरा दिया। इस हार के साथ ही वर्ल्ड कप 2019 में भारत का सफर खत्म हो गया। न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 239 रन का स्कोर बनाया और भारत के लिए जीत के लिए 240 रनों का लक्ष्य दिया। न्यूजीलैंड के लिए रॉस टेलर ने सबसे ज्यादा 74 रन की पारी खेली। टेलर ने अपने पारी में 90 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का लगाया। न्यूजीलैंड से मिले 240 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम एक समय पर 5 रन पर 3 विकेट गंवाकर संकट में थी, लेकिन रविंद्र जडेजा और धोनी के बीच हुई शतकीय पारी के साथ टीम इंडिया को एक बार फिर मुकाबले में वापस लाई। लेकिन दुर्भाग्य से जडेजा और धोनी अंतिम ओवरों में आउट हो गए और टीम को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद इस बात पर नजर डालना जरूरी है कि आखिर भारतीय टीम इस मुकाबले में कैसे हार गई। इस कड़ी में आइए एक नजर डालते हैं भारतीय टीम के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के पांच बड़े कारणों पर। पहला, रॉस टेलर और केन विलियमसन की पारी। न्यूजीलैंड की ओर से एक बार फिर अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर और कप्तान विलियमसन ने अपने शानदार पारियों की बदौलत टीम का स्कोर 239 रन तक पहुंचाया। एक समय जहां टीम रनों का पहुंचना बहुत लग रहा था, वह दोनों दिग्गजों ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। रॉस टेलर ने जहां 90 गेंदों पर 74 रन की सदी हुई पारी खेली, तो वहीं कप्तान विलियमसन ने 95 गेंदों पर 6 चौके की मदद से 67 रनों की पारी खेली। इन दोनों खिलाड़ियों की शानदार पारी की बदौलत न्यूजीलैंड 50 ओवर में 239 रन का स्कोर बना पाई। दूसरा, 5 रन पर भारतीय टीम के 3 बड़े विकेट गिरना। 240 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जब भारतीय टीम, तो सभी फैंस को उम्मीद थी कि भारतीय टीम इस मुकाबले को बड़े आराम से जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वर्ल्ड कप 2019 में 5 शतक जड़ चुके रोहित शर्मा केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान विराट कोहली मैदान पर होते हैं, लेकिन वह भी वर्ल्ड कप 2015 के सेमीफाइनल की तरह इस बार भी 1 रन ही बना पाए। 2 बड़े विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम की कमबैक करना काफी मुश्किल था, लेकिन इस बार केएल राहुल भी 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 5 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम दबाव में आ गई। भले ही जडेजा और धोनी की अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन टॉप के 3 बल्लेबाजों का फेल होना भारतीय टीम के लिए हार का बड़ा कारण बना। नंबर तीसरा, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या का खराब शॉट खेलकर आउट होना। वर्ल्ड कप 2019 में जब ऋषभ पंत की एंट्री हुई, तो फैंस को लगा था कि वह इस खिलाड़ी को नंबर 4 पर बैटिंग कर टीम को जीत दिलाने में सक्षम है, लेकिन सेमीफाइनल में उन्होंने जिस तरह का शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाया, उसे एक बार साफ है उन्हें अभी बड़े मैचों के लिए भरोसेमंद खिलाड़ी नहीं कहा जा सकता। सेमीफाइनल में जब पंत की बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही थी, तब वह गलत समय पर खराब शॉट खेलकर 32 रनों पर आउट हो गए। यह कहानी हार्दिक पांड्या की भी रही। अच्छी लाइन में दिख रहे हार्दिक पांड्या ने अचानक से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपनी विकेट गंवा दी। हमारे ख्याल से पंत और पांडे का खराब शॉट खेलकर आउट हो जाना ये टीम के लिए हार का बड़ा कारण बना। चौथा, जडेजा का अंतिम समय में आउट होना। 92 रनों पर 6 विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम इस मुकाबले में हार के काफी करीब दिख रही थी, लेकिन रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर मौके का फायदा उठाते हुए शानदार पारी खेल डाली। जडेजा ने धोनी के साथ मिलकर न केवल 116 रन की साझेदारी निभाई, बल्कि भारतीय टीम को इस मुकाबले में वापसी भी कराई। 59 गेंदों पर 77 रनों की तूफानी पारी खेलने वाले जडेजा तब आउट हुए जब भारतीय टीम को मैच जीतने के लिए मात्र 32 रनों की जरूरत थी। अपने आखिरी ओवर में आए बोल्ड ने शानदार गेंद पर जडेजा को आउट कर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दे दिया। इसके बाद भारतीय टीम मुकाबले में वापसी नहीं कर पाई। पांचवा, मार्टिन गप्टिल का धोनी का रन आउट करना। रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद सारी निगाहें धोनी पर टिक गई। फैंस को उम्मीद थी कि एक बार फिर धोनी अनहोनी को होनी करने में सक्षम रहेंगे। 49वें ओवर की पहली गेंद पर जैसे ही धोनी ने छक्का लगाया, वैसे ही पूरा स्टेडियम धोनी धोनी करने लगा। लेकिन 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर धोनी जैसे ही पहला रन पूरे करने के बाद दूसरे रन लेने के लिए भागे, वह रन आउट हो गए। गप्टिल के शानदार डायरेक्ट हिट ने धोनी की पारी को वहीं समाप्त कर दिया। धोनी के आउट होते ही भारतीय टीम की जीत के सभी दरवाजे बंद हो गए और टीम 18 रनों से वर्ल्ड कप 2019 का सेमीफाइनल मैच हार गई। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोई और भी कारण है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। बाकी की खास खबरों के लिए आप देखते रहिए वैश्यवा न्यूज़। नमस्कार।